नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहमद शो और आप देख रहे हैं के केटी न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। जम्मू से डोडा आ रही बस उधमपुर में पलटी, हादसे में 25 यात्री घायल, गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को जम्मू अस्पताल रेफर किया गया। मंकी पॉक्स को लेकर मेरठ में अलर्ट जारी, विदेश से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है पैनी नजर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर पीएम शहबाज शरीफ ने दिया बयान, बोले दाम नहीं बढ़ते तो देश हो जाता दिवालिया। श्रीलंका के पीएम ने भी भारत की सराहना, कहा मुश्किल वक्त के साथ देने के लिए भारत का धन्यवाद। पाकिस्तान में अब बिजली पर भी गहराया संकट, सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की हो रही है तैयारी। बीमारी को लेकर WHO ने किया बड़ा खुलासा, कहा सभी देशों में मिला वायरस एक्स नाम, दुनिया में अब तक की 200 मामले। RCB को राजस्थान ने 7 विकेट से हराया, राजस्थान में 14 साल बाद IPL के फाइनल में किया प्रवेश। राजस्थान के कप्तान सैमसन ने बलटवार की जमकर की तारीफ, बोले हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जोश बल्टन है। राजस्थान की जीत के बाद बटलर की इमोशनल स्पीच, बोले शेन वॉन हमें देखकर प्राउड फील कर रहे होंगे। आयरलैंड में बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने 19 गेंदों में बनाए 96 रन, लगातार 5 गेंदों पर लगाए 5 छक्के। और अब रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खबरों पर। खबर बांदा से है, जहां पर बांदा में डीएम के ताबड़तोड़ निरीक्षण के बाद पिछले 24 घंटों में लगभग 50 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि जिले में डीएम सख्त, अधिकारी मस्त की कवाहत पूरी तरह से सही साबित होती नजर आ रही है। जिले में अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वहीं अब डीएम ने अब बिजली विभाग के ऑफिस का निरीक्षण किया, जहां पर 3 दर्जन से ज्यादा इंजीनियर सहित कर्मचारी लापता मिले और ऑफिस मकड़ी के जालों से पता हुआ मिला, जिस पर डीएम ने साफ सफाई के निर्देश देकर 1 हफ्ते के अंदर सुधार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिले में भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हैं, बिजली गुल होने से पानी की समस्या सामने आ रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही जारी है। अब अधिकारी की लापता रहेंगे तो बिजली व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी। आज मैंने 10:30 बजे के लगभग अधिशासी मिंता विद्युत ग्रामीण खंड और SDO काली देवी मंदिर और SDO पीली कोठी विद्युत विभाग के 3 कार्यालयों का निरीक्षण किया है। इन 3 कार्यालयों में एक तो अधिशासी मिंता विद्युत श्री PN प्रसाद जी के साथ BN शुक्ला, कार्यकारी सहायक शारदा परवीन, कार्यकारी सहायक रामकरण, कार्यकारी सहायक पंकज मिश्रा TG2, हिफाजत अली कुली, अभिषेक कुमार कुली, विनोद कुमार क्लर्क, राजा भैया सिंह क्लर्क, अनूप सिंह गौतम क्लर्क, निर्भय सिंह क्लर्क, देववृत्त आर्या SDO, संतोष रैंकवार वरिष्ठ सहायक, शांता कुमार कुली, शत्रुघ्न चौहान SDO, अर्जुन लाइनमैन, सुरेंद्र मुन्नालाल, अकरम खान, ये सब मिलाकर के जो है करीब 35-34 कर्मचारी अधिकारी समनुपस्थित पाए। हमने बांदा में मनरेगा के मजदूर लगभग पिछले 1 महीने से अपने भुगतान को लेकर प्रधान के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रधान के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आपको बता दें कि जब मजदूरों ने अपना भुगतान मांगा तो प्रधान ने उनके साथ अभद्रता की। मजबूर होकर मजदूरों ने DM से न्याय की गुहार लगाई है और कानूनी कार्यवाही करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि मजदूरों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि मजदूर की मजदूरी न मिलने से उनका परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। हमने मजदूरी की 1.5 महीने हो गए हमें मजदूरी करते, और प्रधान कह रहा है, प्रधान को हमारे सामने आया, प्रधान को बुला रहे थे कि प्रधान जी हमारा पैसा कम से कम 15 दिन का लगा दीजिए तो हमारे खाने के लिए हो जाएगा। प्रधान ने कहा कि आप जाइए, मैं मशीनों से तालाब खना लूंगा, आप जाइए, हमारी आपकी कोई जरूरत नहीं है। भूखंड मर रहे हैं, मजबूरी कहते ही पड़े हैं, भूखंड मर रहे हैं, लड़का बच्चा सब भूखंड मर रहे हैं। किसके अंदर में काम करते थे? बबलू प्रधान,
बबलू नाम है मैंने मौका हरी के प्रधान ग्राम जो रही हरिकरण प्रधान हाँ ग्राम जो रही ग्राम जो रही गया हाँ। कितने लोग काम करते थे? 25-30 हुई है किसी व्यक्ति। खबर बांदा से है। बांदा में एक युवक ने अवैध तमंचा से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद किया और पुलिस ने परिजनों को मामले की जानकारी दी है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। व्यक्ति लगभग 20-25 साल उम्र होगी, ये कानपुर देहात रहने वाले हैं, हिमालयन कंपनी में MR है और सुबह इन्होंने सुसाइड कर लिया है। मौके पे हमारी फोरेंसिक टीम है, सारे साथ संकलित किए जा रहे हैं, घर वालों को सूचना दे दी गई है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है, जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है साक्ष के क्रम में बैठाने का भी अमल लाई गई। व्यक्ति खबर आगरा से है। आगरा में पान मसाला कारोबारियों पर GST विभाग ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जिसमें GST के अधिकारियों के 72 लाख रुपए का टैक्स जमा किया गया है। वाणिज्य कर विभाग ने पान मसाला और गुटखा कारोबारियों की 19 फर्मों के 26 ठिकानों पर कार्यवाही की है। आपको बता दें कि कार्यवाही खत्म होने के बाद अब वाणिज्य कर विभाग और CGST की टीम ने 19 फर्मों से मिले खातों और कंप्यूटर डेटा का आकलन कर वास्तविक टैक्स की गणना कर रही है। अभी तक विभाग द्वारा 19 व्यापारियों के 26 ठिकानों पर जांच कार्रवाई संपन्न कर ली गई है और इन व्यापारियों के यहाँ से इसमें के लिए 8 व्यापारियों के यहाँ डिफेंडिंग ट्राई गई थी, डिफेंस कराया गया था। इनसे कुल 72 लाख रुपये अब तक जमा कराए जा चुके हैं। जांच तो जो कमी पाई गई है उसके आधार पर भौतिक सत्यापन जो माल का किया गया है उसमें जो कमी और अधिक पाया गया है उसके आधार पर 72 लाख अब तक जमा कराया जा चुके हैं। अभी तक खबर आगरा से है, जहां पर दिन दहाड़े डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोहरा हत्याकांड की जानकारी मिलते ही ADG, DIG और SP सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंचा। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आप इस हत्याकांड का सनसनी खेज वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हत्या धारदार हथियार से की गई है। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड के 3 हथियारों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अब आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आपको बता दें कि आगरा के थाना इत्मादुद्दौला क्षेत्र के इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। उसमें जो मुकदमा लिखाया गया है, जो पीड़िता जो लेडी जिसकी हत्या हुई थी उसके मां के द्वारा लिखाया गया है और दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें 6 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, पूरे परिवार के लोग हैं उसमें, मेल और फीमेल मिलाकर, जिसमें से 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और बाकी 2 की तलाश की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा जो मर्डर हुआ है युवक का, उसकी मां के द्वारा भी एक तहरीर मर्डर की दी गई थी, वो भी शामिल उसके अंदर कर ली गई और 302 का केस इसमें फाइनली रजिस्टर्ड हुआ। जो FIR एक ही हुई है, जो तफ्तीश थी वो उसमें शामिल कर ली गई है, जो उसकी जो मृतक की जो माँ की जो तहरीर थी वो इसमें शामिल कर ली गई है। और इसमें एक चीज, जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, CCTV फुटेज में भी आ रही है, जनता वहाँ पर है, पड़ोसी वहाँ पर है, क्या लगता है कि मानवता खत्म हो चुकी है? अब देखिए, इस बारे में मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि इतनी देर तक डेडबॉडी वहाँ पड़ी रही और फिर पुलिस वहाँ पर पहुँची, तब तक किसी ने कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जबकि कंजस्टेड इलाका है, पूरी छोटी छोटी गलियाँ हैं और निश्चित रूप से लोग घरों में थे, किसी ने उसमें न पुलिस को सूचना दी, न कहीं पुलिस को अपने सोर्स से सूचना पता लगी और उसके बाद पुलिस पहुँची और बॉडीज़ को जो है वैधानिक कार्रवाई उनकी की। उसमें जो खबर आगरा से है। आगरा के थाना इत्मादुद्दौला क्षेत्र में फर्नीचर के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई, जिसके बाद आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने के आसपास के लोग दहशत में हैं और आपको बता दें कि आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
खबर चित्रकूट से सामने आ रही है। चित्रकूट के सतना में गोदावरी बोर्ड पर दो ट्रक आपस में भिड़ गए और इनकी चपेट में आए एक कार भी आ गई, जिसके चलते कार में बैठे नाबालिग गंभीर रूप से जख्मी हो गया और इस हादसे में नाबालिग समेत ट्रक चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। आपको बता दें कि दोनों घायलों को इलाज के लिए जानकीकुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे के बाद सतना चित्रकूट मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जाम को हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। कहां से जा रहे थे अब? चित्रकूट से कहां की ओर जा रहे थे? तो ये ट्रक हादसा कैसे हुआ? अच्छा, आपस में दोनों उधर से ट्रेलर ऊपर से आया है जंगल तरफ से। जी जी, ट्रक इधर से जा रहा है तो आपस में जुड़ गया। ये लगभग कितनी टाइम हुआ है? करीब 4 घंटे। किसी को कोई चोट? कोई चोट मामूली चोट लगी, उनका इलाज करा दी। कहाँ से जा रहे थे आप? चित्रकूट से कहाँ की ओर? और अब इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता रहमत अली, जो हमें बताएंगे इस घटना से जुड़ी सारी बात। रहमत अली जी, क्या रही है इस घटना की वजह? जी, आपको बता दें कि ये सतना चित्रकूट मार्ग स्थित गोदावरी मोड़ के पास सुबह लगभग 4:30 बजे करीब के आस पास दोनों की भिड़ंत हुई, जिसके चपेट में रीमा के एक कार और उसके सामने आ गई। जो बता दें किनारे खड़े चाय पी रहे थे कार के। हादसे के वक्त क्या ट्रक खड़ा हुआ था या फिर कहीं जा रहा था जिसकी चपेट में गाड़ी आ गई? और क्या कार में जो बैठे हुए थे वो चाय पी रहे थे दुकान में? जी, वो ट्रक निकल रहा था। जी, और इस हादसे में कितने लोग घायल हो गए? मैं इसमें कुछ लोग घायल है जो तो जानकी अस्पताल में भर्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर हम आपको बता दें चित्रकूट से, जहां पर एक ट्रक की चपेट में कार आ गई, जिसके बाद ये सड़क हादसा हो गया और इसके चलते कार में बैठा एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। खबर आगरा से है। आगरा के शाहगंज क्षेत्र की गोविंद नगर साकेत कॉलोनी में महीनों से घर में पानी नहीं आ रहा है और क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से न आने से क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको बता दें कि लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन पानी की समस्या को उच्च अधिकारियों ने प्राथमिकता नहीं दी है। आपको बता दें कि कई सालों से गोविंद नगर क्षेत्र की जनता को पानी की समस्या हो रही है, लेकिन जलकर विभाग जनता की कोई सुध नहीं ले रहा। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जलकर विभाग के अधिकारी क्यों कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? क्षेत्र की जनता को कब पानी की समस्या से निजात मिलेगी? हमारे यहाँ करीब लास्ट 2 ऐसे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम जेई को और जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं सबको अवगत करा चुके हैं। जीएम वगैरह को अवगत कराया आपने जलकर विभाग के? कई बार वो लोग यहाँ ऐसा नहीं कि खुदाई भी करवा चुके हैं, लेकिन हमें पानी की समस्या से बिल्कुल निजात नहीं मिल पाती है। जहाँ एक तरफ आप बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, जहाँ योगेंद्र उपाध्याय जिनको भागीरथ का दर्जा दिया गया है गंगा जल लेकर आए हैं अथक प्रयासों से, वहीं जलकल की आपके क्षेत्र में समस्या हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? किसकी कमी है इसमें, किसकी लापरवाही मानेंगे आप? इसमें पूरी टीम की ही कमी है। आते हैं, खुदाई करते हैं और चले जाते हैं, उनको ना इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। लखीमपुर खीरी में बीते 4 दिनों से एक तेंदुए ने 8 लोगों पर हमला कर 6 गांव में अपना आतंक फैला रखा है। आपको बता दें कि लगातार तेंदुआ बस्ती के किनारे देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुओं का आतंक इस कदर लोगों के दिलों में है कि लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे। इलाके के लोग तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं। वहीं वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है और अकेले खेतों में ना जाने की हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि मामला लखीमपुर खीरी के भीरा रेंज का है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश के सीहोर से जहां पर लोकायुक्त की टीम ने जिले के श्यामपुर थाना प्रभारी अर्जुन जायसवाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आपको बता दें कि अर्जुन जायसवाल पर पहले भी मंडी थाना प्रभारी रहते हुए रिश्वत लेने का आरोप लग चुका है और ये संयोग की बात ये रही कि 2 साल पहले मई के महीने में ही अर्जुन जायसवाल पर रिश्वत के आरोप लगे थे।
तो खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर अर्जुन जायसवाल के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि अर्जुन जायसवाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है जहां पर अर्जुन जायसवाल को तकरीबन 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अर्जुन जायसवाल पर पहले भी मंडी थाना प्रभारी रहते हुए भी रिश्वत लेने के आरोप लग चुके हैं और संयोग की बात देखिए कि 2 साल पहले भी मई के ही महीने में अर्जुन जायसवाल पर रिश्वत के आरोप लगे थे। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केके न्यूज के साथ।